ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर की ओर से पूर्व सैनिकों और सैन्य सेवा के दौरान शहीद अक्षम मृत सैनिकों के पूर्ण आश्रितों को विभिन्न परियोजनाओं, सरकारी विभागों और लोक उपक्रमों में आउटसोर्स आधार पर सुरक्षा संबंधी और अन्य सेवाओं में भर्ती व इसके लिए डाटा बैंक तैयार करने के लिए 1 नवम्बर से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 55 वर्ष तक के पूर्व सैनिक पंजीकरण करवा सकते हैं। पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर की ओर से पूर्व सैनिकों और सैन्य सेवा के दौरान शहीद अक्षम मृतक सैनिकों के पूर्ण आश्रितों को विभिन्न परियोजनाओं, सरकारी विभागों और लोक उपक्रमों में आउटसोर्स आधार पर सुरक्षा संबंधी और अन्य सेवाओं में भर्ती व इसके लिए डाटा बैंक तैयार करने के लिए 1 नवम्बर से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 55 वर्ष तक के पूर्व सैनिक पंजीकरण करवा सकते हैं। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम द्वारा हमीरपुर के बचत भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक निगम के CMD ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर रहे। इस मौके पर सैनिक कल्याण निगम के निदेशक ब्रिगेडियर SK वर्मा, मेजर गौरव मनकोटिया, केवल कृष्ण, पिट्टू पठानिया विशेष रूप से मौजूद रहे। जागरूकता शिविर में आए पूर्व सैनिकों को बताया गया कि पंजीकरण द्वारा एक एक डाटा बैंक बनाया जाएगा, इससे रोजगार के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। निगम की वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई है। पूर्व सैनिक निगम के माध्यम से करीब 2150 ट्रक विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों के साथ अटैच किए गए हैं। इस मौके पर निगम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भविष्य में निगम की ओर से आउटसोर्स आधार पर की जाने वाली विभिन्न सुरक्षा संबंधी तथा अन्य सेवाओं, सुरक्षा गार्ड, आर्म गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, कुक, PSO वायरलेस ऑपरेटर, हेल्पर, चौकीदार, चपरासी इत्यादि में भर्ती के लिए ये पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद हर वर्ष सैनिक और पूर्व सैनिकों के उपरोक्त परिभाषित आश्रितों को एक पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा। इन पदों व सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य पद के लिए भी निगम आउटसोर्स आधार पर भर्ती कर सकता है। इच्छुक पूर्व सैनिक और पात्र आश्रित 1 नवंबर या इससे बाद किसी भी कार्य दिवस में अपनी डिस्चार्ज बुक और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जारी किए गए आश्रित प्रमाण पत्र को साथ लाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जो भी पूर्व सैनिक इस शिविर में आए हैं, वे हर पूर्व सैनिक तक इस पंजीकरण सुविधा की बात पहुंचाए ताकि सैनिक परिवारों का भला हो सके। सैनिक कल्याण निगम के निदेशक ब्रिगेडियर SK वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सैनिक सेवानिवृत्ति के बावजूद भी हुक्म में बंधा रहता है। पूर्व सैनिक व आम नागरिक के बीच अनुशासन के लिए यही फर्क जीवन भर बरकरार रहता है। पूर्व सैनिक निगम के सचिव अनुपम ठाकुर ने जागरूकता शिविर में बताया कि एक अनुशासित सैनिक को सेवानिवृत्ति के बाद समाज एवं परिवार में सामंजस्य स्थापित करना होता है। पूर्व सैनिक निगम का गठन पूर्व सैनिकों की वेदनाओं, संवेदनाओं और समस्याओं को हल करने के लिए लिया गया। पूर्व सैनिकों को हमेशा अपने कौशलता एवं कुशलता की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए। जो कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ये बेसिकली जो हमारे पूर्व सैनिक है उनके पंजीकरण के बारे में और एक जागरूकता शिविर जो है हमने रखा है, और ये मिलकर रखा है जो हमारी हिमाचल प्रदेश एक्सर्स कॉरपोरेशन है और जो राज्य सैनिक जो विभाग है वो मिलकर इस कार्यक्रम को रखा है। इसका मकसद 3 मकसद हैं। एक तो पंजीकरण करना ताकि इसमें पारदर्शिता हो, इसमें सरलता हो और लोगों को बार बार आना जाना ना पड़े, और जैसे जैसे जॉब्स जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से या सरकार की तरफ से आती हैं तो उसके बारे में लोगों को बुलाया जा सके। और दूसरा जो मकसद ये है कि लोगों से संवाद किया जाए, बातचीत किया जाए कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। और सबसे बड़ा जो मकसद यही था कि जितनी भी केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जितनी भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो इन लोगों को बताई जा सके। और जैसे आप जानते हैं कि हिमाचल जो है एक वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार जो है हिमाचल के पास है और तकरीबन 1,20,000 के आसपास रिटायर्ड लोग यहाँ पे हैं, 30,000 हमारी विधवाएं हैं, 1,000 से भी ज़्यादा हमारी वॉर विडोज़ हैं। तो किस तरह से हम सब मिलकर ग्राउंड लेवल से और जितने भी विभाग है, चाहे सैनिक कल्याण विभाग है चाहे निगम है, वो मिलकर किस तरह से उनका आर्थिक
और उनका विकास और एक सम्मानजनक तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में आज ये पंजीकरण है, एक वार्तालाप है, बातचीत है।